हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ओ माय टैग। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी स्प्लेंडर, जो हीरो स्प्लेंडर बाइक है, उसका जो एवरेज है वो कैसे सेट कर सकते हैं। वैसे आप सबको पता है कि आपकी कई बार क्या होता है कि आपकी जब बाइक में पेट्रोल वगैरह सब कुछ फुल होता है, तभी आप एवरेज निकालने के लिए अपनी बाइक को मिस्त्री के पास ले के जाते हैं। पर मिस्त्री क्या करता है, झटपट में अगर उसका दूसरा कस्टमर आता है तो वो झटपट करके दे देता है, और हमारा जो एवरेज होता है, माइलेज होता है, वो सेट नहीं होता है। तो यार, आपको बार बार कहीं शॉप पे जाने के और पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में एकदम बताने वाला हूँ कि आप अपने जो बाइक का माइलेज है वो खुद घर पे कैसे सेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कई बार क्या होता है कि आप जहाँ कहीं भी अगर जाते हैं तो दूसरी जगह आपसे अच्छे खासे पैसे ले लेता है, और बार बार आप ऐसे चेक तो करवा ही नहीं सकते यार, क्योंकि जितना माइलेज नहीं देता है उतना तो मिस्त्री पैसे ले लेता है। देखिए, आपको माइलेज सेट करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक पेचकस। और आप कैसे सेट करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप अपने बाइक का एवरेज चेक करें तब आपको अपनी बाइक है उसको एक बार स्टार्ट करना ज़रूरी है। आप उसको स्टार्ट करना, सबसे पहले मैं, आप देख सकते हो, मैं उसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अभी बाइक है उसको स्टार्ट कर लिया है। सो अभी आप इसकी वॉइस देख रहे हैं, जो गाड़ी की वॉइस है वो मैंने थोड़ी दबा के रखी ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि जो इसकी बराबर माइलेज है वो कितना रहता है। देखिए, गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो गई क्योंकि जो अभी है ना, पेट्रोल सबसे ज़्यादा खर्च करती है। मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ इसका माइलेज बढ़ा के रखा है ताकि ये कम एवरेज दे, ताकि आपको मैं सही ढंग से बता सकूं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही बाइक स्टार्ट करनी है, मैं एक बार फिर से आपको बाइक स्टार्ट करके बता दूंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी मैं बाइक स्टार्ट करूँगा तो थोड़ी इसमें वॉइस आने वाली है, तो यार एडजस्ट कर लेना भाई लोगों। देखिए, मैं जैसे आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ी 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 रेस लेनी है। देखिए, आपको क्या करना है, आपकी गाड़ी है उसकी जो ये साइड में, देखिए ये की वाला है, जो ये आप देख सकते हो इधर, इसका इधर लगा होता है ये वाला। मैं आपको एक बार जूम करके बता देता हूँ, जो ये वाला बटन है इसके अंदर, इसको आप क्या करना है, इसको जैसे ही आप रेस करना है और उसके बाद में ये वाले सेटिंग करना है। एक बार आप ध्यान से देख सकते हो, जो ये वाला होता है, ये वाला, इससे आप रेस को, जब आपकी गाड़ी की रेस करोगे तो इसको आपकी रेस बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि जैसे स्लो चलती है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं जो मेरी रेस है वो बहुत कम चल रही है। तो अगर इसको आप सेटिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करनी है, रेस करने के बाद इसको धीरे धीरे घुमाना है। जैसे आप घुमाएंगे उसकी वॉइस चेंज होती रहेगी। देखिए, मैं अभी आपको इसका जो रेस है वो सब करके बता देता हूँ। देखिए, ये जो इसको जैसे जैसे घुमाते जाओगे उसकी जो स्पीड है बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से आप अगर गाड़ी की, जो बाइक की रेस होती है उसको आप नॉर्मल रखेंगे तो आपकी जो गाड़ी का माइलेज है, एवरेज है, वो सही आएगा। तो मैं और बता देता हूँ कि अगर आपको बाइक, आपकी बाइक कहीं बीच रास्ते में ख़राब हो जाती है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसकी वीडियो अगर आपको देखनी है तो उस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। खैर, आपको बाइक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।